देखिए श्रिया सो रही है, उसके एग्जाम्स ख़त्म हो गए तो अब अपनी पूरी थकान निकाल रही है। हम लोग गए हुए हैं अभी डीमार्ट के लिए, लेकिन हाँ उससे पहले श्रिया की नानी के घर भी जाएंगे। तो अभी श्रिया सो रही है। श्रिया 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 नींद आ रही है, अब तो छुट्टी लग गई, खुश हो जा। इसलिए तो सो रही हूँ। इसलिए सो रही है तो सबकी छुट्टी लगती है तो सब खेलते हैं, तू सो रही है। अपने फ्रेंड से हेलो तो बोल दे। हेलो। ऐसे हेलो। रुक तो जा। सब्जी रखी तेरे पीछे, देख तू दबा मत देना, टमाटर है उसके अंदर। हेलो। वो दबेंगे फूट के मेरे ऊपर आएंगे, आप चिंता मत करो। सुनो अपनी फ्रेंड से कुछ बोलना है? यही कि एग्जाम टाइम में अच्छे से पढ़ाई करें और छुट्टियों में मेरे जैसे सोए। नहीं नहीं, एक्टिविटीज भी करना जरूरी है। तो श्रिया के चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, वो जरूर आप लोग चेक करिएगा। और प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग पे भी हैं, वो भी चेक करिएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं श्रिया की नानी के घर, नानी से मिलना नहीं हो पाया है ना श्रिया। बस बीच में एक बार मिली थी जब नानी घर पे आई थी, है ना। हाँ, जब एग्जाम चल रहा है। सारी बातें लेटे लेटे कर लेंगी, है ना श्रिया। और सब बच्चों के एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। श्रिया का हाथ है बीच बीच में, और सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स के साथ उनकी मदर्स के भी एग्ज़ाम होते हैं, तो क्योंकि मदर्स को भी बहुत टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है कि बच्चे पेपर ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, तो ज़रूर बताइएगा मुझे, है ना। ये श्रिया है बीच बीच में और मैं ऐसे झूली हुई हूँ गाड़ी में, ठीक से लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं। कॉफी कौन है? लीची ले। अभी तो मजे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें लेनी है तुमको, है? आज तो मैं कुछ सारा कुछ बेटा लीची चाहिए। हाँ ये मैंने ले लिया ऑलरेडी, नया आया है ब्रिटानिया का। ओके। मोबाइल में लिप्त इंसान। यप। अपन इधर से साइड से निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा। घर जा रहे हैं अब। बहुत मजा आ रहा है बाबा, ऐसे लग रहा है कि यार पढ़ना है, इतना सारा स्ट्रेस कि फिर से याद एक सेकंड में याद आता है कि एग्जाम्स तो ओवर हो चुके हैं, अब क्या पढ़ना। पढ़ने वाली फीलिंग आ रही है। बहुत ज्यादा बिजी होने से अच्छा ही है कि फ्री रहो। अभी थोड़े दिन तो फ्री अच्छा लगेगा, फिर वापस बोर होने लगोगी। हाँ लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बिजी होने से अच्छा होने लगोगी, खेलने कूदने के लिए, है ना। हाँ मैं पापा से कह रही हूँ, पापा मुझे एक स्केटबोर्ड दे दो, स्केटबोर्ड चलाऊंगी मैं। तू बता, साइकिल ठीक करवाऊं या स्केटबोर्ड, दोनों में से ऑप्शन? स्केटबोर्ड अभी के लिए तो, स्केटबोर्ड। ओके चलो। ओके और श्रिया का चालू हो गया आइसक्रीम खाना। वार्निंग, कभी भी आइसक्रीम इधर से ना खोले। क्यों? ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मूड खराब हो जाएगा। अरे अरे उसमें मत रखो।
प्लेट में रख लो, सबको लालच दिला रही है। अपनी फ्रेंड्स को तो बोला भी नहीं कि आप लोग भी खाइए, खुद ही खाने लगी। खाइए खाइए, मैंने कब मना किया। अच्छा है। और श्रिया अपना जर्नल टूर करवाने वाली है। बहुत जल्द। ओके। बहुत जल्द मतलब इसी वीडियो में कर पाएगी ना। सो मैंने लिया डीमार्ट से ये डोर मैट, बहुत ही सॉफ्ट सा है। मैं ऐसे बाथरूम के सामने डालूंगी क्योंकि ये एंटी स्लिप है और काफ़ी अच्छा भी है। ये जल्दी पानी को, जिसे कहते हैं ना कि जल्दी ड्राई हो जाता है, गीला नहीं रहता। और ये वाली मैंने ली है क्लिप्स, जो कि बैक क्लिप्स है। नाउ ऊपर चलते हैं। तो ये है MTR का डोसा रेडी मिक्स। इस बार मैंने बहुत सारा ऐसा सामान लिया है जो मैं कभी लेती नहीं हूँ, क्योंकि श्रिया का मन था कि कभी सभी मम्मा हम भी पैक्ड फूड खा लें। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून खा सकते हैं, कभी सभी चलता है। तो उनमें से एक है ये रियल का फ्रूट जूस, लीची वाला उसने लिया है। और उसको चाहिए थी ये सीजर, तो वो ली है। मोटी सौंफ, भुजिया सेव, एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला, ये पाव भाजी मसाला मुझे अच्छा लगता है। मखाने लिए हैं और चने, रात में हम लोग खाते हैं इसको, चने और वो फली दाने, है ना। और ये नीरज का लहसुन वाला अचार मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने लिया है। और ग्राउंड नट ऑयल लिया है। वैसे मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, पतंजलि का ले लेती हूँ, वो सबसे मुझे बेस्ट लगता है। कुछ पापड़ी ली है मैंने और अमूल का। ये बस ये जो भी सामान आपको इस टाइप का दिखेगा ना, वो सब श्रिया ने डाला है मनमर्जी का, आज उसको मैंने छूट दी थी। तो अमूल का ये उसने लिया है, बटर मिल्क, आई गैस बटर मिल्क ही है ये, यस। एंड ये है सोया के ग्रैनुअल्स। मैगी के दो पैकेट लिए उसने, जिम जैम बिस्किट उसे बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है, कभी कभी खाती हूँ मैं। नेक्स्ट इज दिस ब्रेड, जो कि ब्राउन ब्रेड है। और पापड़, लिज्जत पापड़, इस बार मैंने ये वाले लिए, पिछली बार जब मैं गई थी तो मैंने चने वाले लिए थे, तो वो ऑलरेडी रखे हुए थे। अभी लिया है टी कंट्री का ग्रीन टी, मैंने बोला ये लेकर देखते हैं। वैसे मैं टेटले की यूज़ करती हूँ, बट ये वाली ली है हनी एंड लेमन। नाउ मारी गोल्ड बिस्किट चाय के साथ के लिए, और ये नया भी आया ब्रिटानिया का बिस्किट, तो ये दो मैंने लिए हैं। ये श्रिया का एज यूजल, उसको ओरियो हमेशा, जब भी ओरियो दिखता तो एक पैकेट तो लेती ही है, तो ये ले लिया उसने। और ये तीन मिल्की बार ले लिए उसने, पूरा कोटा मुझे लगता है महीने भर का। और ये है पिस्ता, जो डीमार्ट का ही पैक्ड है। एंड ये है बड़ा कोलम चावल, ये चावल मुझे अभी इन दिनों बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बार बार अपनी वीडियो में बता रही हूँ क्योंकि मुझे सचमुच में अच्छा लग रहा है। नाउ हियर ऑरेंजेस, और ये केले तो हमने परसों लिए थे, पके नहीं है ये, ऊपर से इसका ऐसा हो गया, बाकी हैं तो ये हार्ड ही, बस इसको आजकल में खा के ख़त्म करेंगे नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ बन रही है मेरी मस्त सी चाय, जिसका मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से बन जाए और हम पिए। और अब मैं आपको ले चलती हूँ स्ट्रेट टू श्रिया के पास। सो श्रिया अभी क्या कर रही है, उसकी टीचर का जो है चेक कर रही हूँ, सारी ब्लर तो नहीं थी। हाँ, क्योंकि अभी एक टीचर का उसके पास मैसेज आया कि एक शीट शायद ब्लर थी, तो वो फिर से उसको मतलब रीसेंड कर रही है। तो वो संस्कृत की ही थी, एग्जाम खत्म होने की खुशी में उसने शायद थोड़ा सा ब्लर भेज दिया होगा। क्योंकि संस्कृत का लास्ट पेपर था, है ना श्रिया। ओके ओके, भेज दो भेज दो। चलिए अब मैं चलती हूँ वापस किचन में। और ये सारा जो सामान है, मैं दो बार में सामान लेकर आती हूँ, एक बार में दाल वाल इस टाइप का जो ग्रॉसरी आइटम होता है वो, और दूसरी बार में जाती हूँ जब मतलब मिड ऑफ मंथ में जाती हूँ मैं, तब जब ये इस टाइप की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तब जाती हूँ और ये सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। तो जल्दी से इन सब चीज़ों को ठिकाने लगाते हैं। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, ये लिए मैंने दो जो है नैपकिन्स टॉवल्स, और ये बाथरूम के लिए। ये मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लगा, प्यारा सा कलर, सो मैंने ये लिया।
अच्छा अच्छी लेंथ का है, ये दोनों अच्छी लेंथ के हैं। आई थिंक 49 रुपीज़ के हैं ये, जहाँ तक मुझे पता है, हाँ 49 रुपीज़ के हैं। तो चलिए ये सारा सामान रखते हैं, और अभी हो रहा है टाइम 7:15, मेरी घड़ी थोड़ी सी आगे है एज यूजुअल, और मैं ये सारा सामान जमाऊंगी। आज मैं आप सभी को अपनी जर्नल टूर पार्ट 3 दिखाने वाली हूँ। मैं अपनी आगे की जर्नल दिखाने वाली हूँ, आपको टूर करवाने वाली हूँ। और अगर आपने पिछले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जरूर चेक कीजिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ बोथ द वीडियोस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके ओके, सो आगे का बताएंगे आज हम, है ना? हाँ। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली बार इस पेज तक दिखा दिया था, अब मुझे इसके आगे से दिखाना है। सो ये जो पेज है, ये मैंने तब बनाया था जब मेरे एग्जाम्स ओवर हो गए थे। आपको तो पता ही है कि मैं कितनी खुश थी, है ना? सो इट सेज एग्जाम्स ओवर !! माय एग्जाम्स आर ओवर नाउ कॉमा The only thing left to be done is ... musty, and musty !! Okay. So, कुछ चीज़ें मैंने सिमिलर बनाई, जो मैं मेरी पहली जर्नल थी ना, जो मैंने पेजेस से बनाई थी उसके जैसे, बस थोड़ा डिटेल में। जैसे वाना है वे लुक एट माई बकेट लिस्ट, सो ये मेरी बकेट लिस्ट है, इसमें बहुत सारे हैं। And one silly list is get all the play buttons. I don't know if it's possible. देखते हैं। You will definitely get your play button. लेकिन अभी आपके सारे friends के ऊपर depend करता है। जल्दी जल्दी सब लोग subscribe करिए। मेरी bucket list का एक item खत्म हो जाएगा। मैं इसको फाड़ दूँगी फिर। हाँ, जो सब लोग तुम्हें प्यार करते हैं ना, वो तुम्हें दिलवाएंगे जल्दी से जल्दी play button. चलो आगे करते हैं शुरू। हाँ, एंड लिव इन जापान फॉर एटलीस्ट 3 months, यस। और भी कई हैं, दिखा कुछ मैं दिखा देती हूँ। मीट टीवी स्टार से मम्मी को भी पसंद है, वो भी कह थी मुझे एक दिन कि मुझे कुछ स्टार से मिलना है। यस। ओके सो, अरे घुसी नहीं रहा। अच्छा, कितने प्ले बटन्स होते हैं मम्मी? बाय बिग हाउस लॉल। मम्मी कितने प्ले बटन्स होते हैं? सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम। प्लैटिनम भी होता है ना, सबसे रूबी बटन भी होता है। हाँ, आई गेस होता होगा। ओके, एंड ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास, ये तो थोड़ा सिंपल है वैसे, है ना? यस, रखा हुआ था अंदर। थिंग्स आई लव टू डू, वो मैंने अपनी पिछली जर्नल जो मैंने पेजेस से बनाई थी उसमें था। ये थोड़ी मैंने और 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करी हैं इसमें, जो कि हैं देखो, रीडिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांसिंग एंड ये सब। तो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब नेक्स्ट चीज़ है स्पेंडिंग टाइम इन माई बेडरूम, आई लव टू स्पेंड टाइम इन माई बेडरूम, making YouTube videos, dancing and winning people's hearts. Okay, so next है qualities I need in a friend, ये भी मैंने बना दिया था लेकिन ये और ज़्यादा डिटेल में है। आई थिंक मैंने friendly and helpful, intelligent, nature lover, emotional, I don't know if introvert and extrovert, मुझे नहीं पता, beautiful by nature, ये इतना मैंने बता दिया था, और हम्बल भी मैंने बता दिया था। बाकी तुमने अभी ऐड किया है। हाँ, ट्रू अंडरस्टैंडिंग, काम, फनी, शेयरिंग। इन ट्रू देयर इज शी शुड बी ट्रू एंड शुड नॉट फेक हरसेल्फ एट एनी कॉस्ट। ट्रू मतलब सच्चाई बताना, या अपना मतलब, जैसे कहते हैं ना अपन बिग बॉस में, जो लोग कुछ लोग फेक रहते हैं या कुछ लोग रियल। वैसे तो अब तक काफी कुछ लोग रियल ही रहे हैं, बिग बॉस इज अ रियलिटी शो है कि नहीं? हाँ। सो जस्ट एन एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग में शी शुड हैव दिस क्वालिटी ऑफ बीइंग अंडरस्टैंडिंग, आई मीन ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड देयर फीलिंग्स।
काम, यस काम, एंड कोई ज्यादा हड़बड़ाहट में नहीं, ज्यादा टेंशन में नहीं है ना. शी शुड बी काम एंड शुड नॉट बी इन अ हरी. यस फनी, शी शुड हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड शेयरिंग क्वालिटीज. यस शेयरिंग, सॉरी, शी शुड शेयर हर फीलिंग्स एंड थिंग्स विद मी. यस शी शुड नॉट हेजिटेट, यू नो, इन एनीथिंग. And this is just a funny silly quote. It's a Shriya thing you can't understand. So ये पेज प्लेन है, इस पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, नहीं ड्रॉ किया है, नहीं कुछ चिपकाया चिपकुलू है. तो नेक्स्ट पेज पर मैंने अपना ड्रीम वेकेशन लिखा है जापान जाने का, और मैं वहाँ पे क्या क्या कर सकती हूँ. Okay. And ओके, ये भी दिखा दो. ओके, दिखाती हूँ. डायरी ऑफ माय ड्रीम पेट. हाय ह्यूमंस, आई मीन ये जो पेज है ये मेरे ड्रीम पेट ने लिखा है. हाय ह्यूमंस, दिस इज मी ज़ोए. अगर मैं, मेरा कोई ड्रीम पेट हुआ तो मैं उसका नाम ज़ोए रखूँगी. सॉरी अगर किसी का नाम यहाँ पे ज़ोए है तो. ओके, सो आई एम श्रियास पेट. आई वांट टू टेल यू माई स्टोरी. अगर आप इस पे से रीड कर सकते हैं तो जरूर रीड कीजिएगा. ऐसे आप इसको स्टिल कर लीजिए और रोक लीजिए वीडियो को, और इसको पूरा आप रीड कर सकते हैं. यस, तो ये है ए लेटर टू मी, और वी कैन से माय फ्यूचर सेल्फ, जो मैं आगे जाके रहूंगी. मैंने उसको लेटर लिखा है, तो मैं दिखाती हूँ. ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, ये लेटर एनवेलप मैंने पेस्ट किया है. व्हाट इज दिस, दो सेकेंड. हाँ ये रहा, ये तो कुछ भी नहीं, खाली है. सो ये लेटर मैं आपको दिखाती हूँ. मम्मा ब्रिंग कैमरा. हाँ ये देखो. डियर मी, आई मीन फ्यूचर मी, आई नो दैट इट्स वेरी वियर्ड दैट आई विल बी यू डॉट डॉट डॉट, विच मीन्स यू आर मी टू. Where are you? I mean that by this line, I mean that where are you in my future? Yes, because I've written this letter to my future self. Hindi mein bhi bol sakte hai, you know. I hope you're satisfied with me and my work. My question to you is there anything you want me to add in life? If it's so, then I'll be alert. Ha ha ha, I hope you can answer. Remember, our lucky number is 3, remember? I hope you do. I'm your old memory. And I'll read this letter when I'll be you. Good luck to me. So, ये मैंने लेटर जो लिखा है वो अपने फ्यूचर सेल्फ. तो ये लेटर जो मैंने लिखा है वो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए लिखा है. इस बार मैं उतना ज्यादा नहीं लिख पाई क्योंकि अभी अभी मेरी वेकेशन जो है वो ओवर हुई है. डोंट क्विट लेट, आई मीन पोएम है. इस पोएम को लिखा है एडगर ऑलबर्ट गेस्ट ने, एंड ये किसी जॉन ग्रीन लीफ, क्या नाम, हाँ मैंने गूगल पे ये भी देखा था कि ये जॉन ग्रीन लीफ वाइटर ने लिखा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर किसने लिखा है दोनों में से. मैंने तो एडगर ऑलबर्ट गेस्ट का नाम लिखा है यहाँ पे. सो ये पोएम मैं आपको सुना देती हूँ पढ़ के. हाँ एक बात और मैं बता देती हूँ कि ये जो पोएम है ये उनके लिए है जो जल्दी से गिव अप करने के लिए सोचते हैं, जो जल्दी से हार मान जाते हैं, जिन लोग की यू नो सुसाइडल टेंडेंसीज रहते हैं उन लोग के लिए ये बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटिंग है. लेट्स रीड. सो दिस पोएम सेज, डोंट क्विट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल, व्हेन द योर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल, when the funds are low, I'm sorry, I have written 2 times, are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must but don't you quit. Life is square with its twists and turns, as everyone of us sometimes learns,
एंड मैनी फेलियर्स टर्न अबाउट या इट्स अबाउट वेन ही माइट हैव वन इफ ही स्टक इट आउट. डोंट गिव अप दो द पेस सीम्स स्लो, यू माइट सक्सीड विद अनदर बो. ऑफन द स्ट्रगलर हैज गिवन अप वेन ही माइट कैप्चर द विक्टर्स कप, I mean trophy, yes. And he learned too late when the knight slipped down how close he was to the golden crown. Success is failure turned inside out, the silver tint of clouds of doubt, and you never can tell how close you are. It may be near when it seems afar. So stick to the fight when your hardest hit. It's when things seem worst that you must not quit. Okay, so ये poem मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये बहुत ज़्यादा motivating है, इसलिए मैंने ये लिख दिया अपनी journal में. और असली journal वही होती है जो मतलब कुछ सीख दे, है ना journal. हाँ, हमें हमारी personality को reflect करती है. हाँ. और हमें कुछ सिखाती है हर दिन, जब भी हम उसको उठाएं पढ़ें तो हमको अच्छा लगे, हमें उससे इंस्पिरेशन मिले और सीख मिलती रहे. हाँ, इसलिए तो उसको जर्नल कहते हैं. पूरा मतलब आपका आपकी पर्सनालिटी की जर्नी बताता है वो, क्या क्या है मतलब आपकी लाइफ में, आप क्या चाहते हो और आप किस चीज को जैसे कहते हैं ना कि जिस किस चीज का वेट कर रहे हो आपकी लाइफ में आपके हो. है ना, दिस इज माय लाइफ जर्नल एक्चुअली. यस. So this much for now. आगे अभी बहुत सारा कुछ लिखना है जो श्रिया बाद में आप सभी से शेयर करेगी, लेकिन आप तभी वो सारी वीडियोस देख सकोगे तब जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे. नहीं तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब हम लाइव आते हैं ना तब नहीं देख पाते हैं, फिर जो लोग मतलब मुश्किल होती है फिर उनको. और अभी तो देखिए इसमें आधे पेजेस बाकी है, आधी डायरी हो गई मेरी, आधी बाकी है. यस, तभी तो बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, 5 या 6 पार्ट्स तक जाएगी ये वीडियो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सो बाय बाय बोलें श्रिया. हाँ मम्मी, चलो बाय करते हैं. सो बाय टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड वेट वन मोर थिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. ये मेरे चैनल का आउट्रो है, लेकिन मेरा तुम्हारा चैनल क्या होता है. सो मम्मा का चैनल, श्रिया का चैनल, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, यानी कि प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग जो आप अभी देख रहे हो, एंड श्रिया हुड जिसपे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहती हैं आप सभी के लिए. सो प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग जो चैनल है वो बड़ों के लिए भी है और उन जो मेरी फ्रेंड्स हैं यानी कि मेरी फ्रेंड्स उनके बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है. हम दोनों इस चैनल पे आते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी है क्योंकि इसमें स्टडी हैक्स वगैरह आते हैं. यस, और बहुत सारे शॉपिंग वीडियोस आते हैं, व्लॉग्स आते हैं, डेकोर वीडियोस आते हैं, तो बहुत सारे तरीके के वीडियोस आते हैं. और श्रिया आउट पे सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं, तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करिए. सब्सक्राइब बटन ध्यान रखिए, रेड नहीं होना चाहिए, जल्दी से उसको दबाइए, ग्रे कर दीजिए. अगर रेड है तो मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. और अगर ग्रे है तो उसको बिल्कुल मत दबाना क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, सब्सक्राइब्ड है. यस, तो चलो बाय बाय बोलते हैं. चलो गाइस, बाय 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 बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योरसेल्फ. यस, बाय बाय. ये मैंने लेटर जो लिखा है वो अपने फ्यूचर सेल्फ, ये लेटर जो मैंने लिखा है वो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए.